मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन स्पार्कलिंग दीवा। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मॉर्निंग रूटीन व्लॉग। तो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन, मैं क्या क्या करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। मैं यूजुअली 6 o'clock और 6:30 के बीच में उठ जाती हूँ। देन उसके बाद मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ। देन उसके बाद मैं एक मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक लेती हूँ। तो वो डिटॉक्स ड्रिंक कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं और इन्जॉय करते हैं सुबह सुबह का मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक। सो फॉर मेकिंग माई मॉर्निंग डिटॉक्स वाटर, आई हैव टेकन हियर ओवरनाइट सोक चिया सीड्स और सब्जा सीड, विच इज़ हाई इन फाइबर। इट हेल्प्स टू रेगुलेट आर बबल मूवमेंट, इम्प्रूव आर डाइजेशन एंड एक्ट्स एज अ फैट कटर। Now I have added the 2 tablespoons of chia seeds and adding the warm water in it. I'll add lemon juice in it, which is also an anti-inflammatory and immunity booster, as it is has vitamin C and also a fat cutter. And lastly I will add here cinnamon, जो कि मैंने कुटा हुआ लिया है। आप यहाँ पे powdered cinnamon भी add कर सकते हैं। 1 tablespoon cinnamon हमारे immunity को boost करता है, also it acts as a anti-inflammatory and antioxidant. तो आपने देखा कि कैसे हमने मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक बनाया। मैंने आपको हर एक स्टेप क्लियरली बताया है, जिसमें कि हमने ऐड किया है चिया सीड्स, देन सिनेमन, देन उसके बाद लेमन। कितने सारे फ़ायदे हैं इन सब के। तो जो चिया सीड्स होते हैं दे आर यूजुअली हाई इन फाइबर एंड ऑल्सो इट इम्प्रूव्स आर बवल मूवमेंट, इट इम्प्रूव्स आर डाइजेशन। तो एक तरीके से ये हमारे एक फैट कटर की तरह काम करता है चिया सीड। प्लस इसमें हमने वॉर्म वाटर डाला हुआ है एंड सिनेमन का डाला हुआ है थोड़ा सा हिंट, बिकॉज सिनेमन आजकल कोविड का बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो सिनेमन इज़ अ इम्यूनिटी बूस्टर एज इट इज़ अ एंटी ऑक्सीडेंट, प्लस ऑल्सो इट इज़ अ एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। तो इसीलिए सिनेमन इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट टू एड ऑन आर डिटॉक्स ड्रिंक। देन उसके बाद हमने लेमन डाला है। लेमन के तो फायदे आपको पता ही है, इट इज़ ऑल इनरिच्ड विद विटामिन सी, इट्स अ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड प्लस ऑल्सो इट इम्प्रूव्स आर डाइजेशन। तो इसीलिए ये सारे मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक को आप ज़रूर ट्राई करें। किसी भी तरह के मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक को आप ले सकते हैं, चाहे वो लेमन वाटर वाला ले सकते हैं एंड देन आप इम्यूनिटी बूस्टर को ही ले सकते हैं, या फिर आप लेमन प्लस हनी वाला ले सकते हैं। तो जो भी आपका डिटॉक्स ड्रिंक है वो आप ले सकते हैं। एंड ऑल्सो हाँ, एप्पल साइडर विनेगर भी काफ़ी लोग लेते हैं। मैं पहले लिया करती थी बट अब नहीं लेती हूँ। तो अभी मैं ये नया फॉलो कर रही हूँ ये डिटॉक्स ड्रिंक, तो देखते हैं कितना फ़ायदा मिलता है। तो मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना ये मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक। आप कौन सा डिटॉक्स ड्रिंक लेते हैं अर्ली मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आज का मौसम कितना सुहाना है। मुझे ऐसे सुबह उठते ही बाहर का व्यू देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड इन्जॉइंग दी डिटॉक्स ड्रिंक विद इट। तो यहाँ पे मैंने अपने टेरेस गार्डन में कुछ प्लांट्स एंड कलरफुल फ्लावर्स लगा रखे, जिसको देख के मन को एकदम शांति मिलती है और बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह इनको आते ही अगर उठते ही देखो तो। तो मेरे मॉर्निंग डिटॉक्स लेने के बाद मैं थोड़ा सा टेरेस गार्डन में समय बिताती हूँ प्लांट्स एंड फ्लावर्स के साथ। उसके बाद मैं सीधा छत पर आ जाती हूँ। इस तरह का मॉर्निंग ब्रिस्क वॉक मैं लेती हूँ कम से कम 10 से 15 मिनट का। इससे हमारा थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है और हमारे फिजिकल बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप लोगों को भी करना चाहिए इस तरह का ब्रिस्क वॉक फॉर एटलीस्ट 10 to 15 minutes। देन 10 से 15 मिनट वॉक करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेडिटेशन करना शुरू करती हूँ, जिसमें मैं अपने ब्रीथ्स को कंसंट्रेट करती हूँ। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल पे ही मैं पूरा कंसंट्रेशन करने की कोशिश करती हूँ। ये कम से कम मैं कुछ भी नहीं तो 10 मिनट्स तक करने की कोशिश करती हूँ।
आफ्टर डूइंग द मेडिटेशन उसके बाद मैं यहाँ पे सूर्य नमस्कार के पोस्चर करती हूँ। इसके टोटल 10 स्टेप्स होते हैं। यह हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करता है, हमारे पोस्चर्स मेंटेन करता है एंड ऑल्सो वेट लॉस में भी हेल्प करता है। एंड बहुत सारे इसके जो पोस्चर्स होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं एंड एक तरह का स्ट्रेचिंग भी होता है। तो ये ज़रूर आप फॉलो कीजिए योगा में सूर्य नमस्कार। नमस्कार के बाद यहाँ पे मैं कुछ हैंड एक्सरसाइजेस करती हूँ। इस तरीके से मैं अपने रिस्ट को रोटेटिंग पोजीशन में घुमाती हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पर मेरे आर्म्स को रोटेट करती हूँ जिससे हमारे आर्म्स एंड हैंड्स एंड रिस्ट थोड़े से टोंड हो जाते हैं। After taking my detox drink, I go for yoga and meditation and some exercises and some brisk walk. And after that, I'll go for the bathing and then all household work. And देखेंगे कि आज breakfast के menu में क्या है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। So friends, अब बज चुके हैं 8 और मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं, even पूजा भी हो चुकी है। तो अब हम करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ मूंग दाल का चीला, विच इज़ वेरी वेरी हेल्दी फॉर अस। मूंग दाल का चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मूंग दाल को ओवरनाइट सोक करके रखा था और अब मैं इसका एक फाइन पेस्ट बनाऊंगी। ये कम से कम मैंने यहाँ पर 2 कप मूंग की दाल को भिगाया था और इस तरह का पेस्ट ये बन चुका है। थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा, इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए चीले के लिए। तो मूंग दाल में कुछ सब्जियाँ डालने के लिए मैंने यहाँ पे अनियन और ग्रीन चिलीज को फाइनली चॉप कर लिया है और इसको मैं डालूँगी। आप चाहे तो अपने चीले में और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, उसको कलरफुल बना सकते हैं, टेस्टी बना सकते हैं, प्लस हेल्दियर बना सकते हैं। अब वक्त आता है कि हम थोड़ी सी सीजनिंग कर लें। इस बैटर में मैंने यहाँ पर मिर्च पाउडर डाला है 2 चम्मच और नमक डाला है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डाल सकते हैं, और वेजीज को मिक्स कर लिया और इस तरीके से इसको मिक्स करके इस तरीके से फाइन थिन एक पेस्ट बन जाएगा। ना ही बहुत गाढ़ा होना चाहिए, ना ही बहुत पतला होना चाहिए इसका बैटर। अब एक नॉनस्टिक तवे में मैंने यहाँ पे हल्का सा ऑयल ब्रश कर लिया है। अब हम इसमें हमारे बैटर को डालेंगे। बहुत ज़्यादा एक साथ पर नहीं करना है, सिर्फ 2 चम्मच आप डाल दीजिए एंड देन उसको अच्छे से थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। जैसा भी आपको साइज चाहिए, छोटा चाहिए छोटा कर लीजिएगा, बड़ा चाहिए आप बड़ा कर सकते हैं, और इस तरीके से फैला के थोड़ी देर इसको पकने दे एक साइड से। तो हमारा चीला एक साइड से पक चुका है और दूसरे स्लाइड साइड से मैंने इसको फ्लिप कर दिया और इस तरीके से दूसरे साइड को भी मैं अच्छे से पका लूँगी। तो मेरा तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है विद सम ग्रीन चटनी दही वाली, और यहाँ पे मैंने एक मग लिया है चाय का। बिना चाय के मेरा ब्रेकफास्ट बिल्कुल अधूरा रहता है। मेरा ब्रेकफास्ट तो यहाँ पे हो चुका है मूंग दाल चीला विद अ कप ऑफ टी। सो आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मूंग दाल चीले का रेसिपी बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी होता है, प्लस आप में इसमें और भी ज़्यादा वेजीज डाल के बना सकते हैं। तो दिस वाज माय कंप्लीट मॉर्निंग रूटीन व्लॉग। कैसा लगा आपको ये व्लॉग कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूले ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन एंड अपडेट इजीली मिल जाए। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, एक्साइटिंग वीडियो में।
तो बाय बाय, टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।